आप आंगन देखने वाले सारे भाई हमें गणा गणा राम राम सा। तो आज हमारे किचन गार्डन को जिसका जितना भी फलदार पेड़ है वह भी मैं थाने दिखा रही हूँ, और पक्षियों की आवाज़ तो थाने सुन ली भी है। वो कच्चा आम है अभी तक पक्षियाँ को नहीं, आम के पेड़ पर थोड़ी कैरी और कच्चा आम ला रहे हैं। ज़रूरत हो वह भी कई साहब होती है, दो या चार तोड़ ली, कोई सब्जी बनानी हो या आमचूर बनाना हो या कोई आम कच्चा आम की चटनी बनानी हो तो किचन गार्डन में तोड़ के काम कर लिया। तो एक कच्ची कैरी तोड़ के मैं अमचूर बनाने के लिए भी तोड़ के लिया आई हूँ, या खट्टी मीठी चटनी बना सका। तो आम की जिया साइज है वह बहुत सारी फुल साइज है। तो किचन गार्डन के अंदर इतना पेड़ है जो हर पेड़ थान दिखाऊंगा, सब अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग प्रकार का जहाँ पेड़ हैं। आम का भी तीन चार पेड़ हैं, छील लिया ही और आम का कद्दूकस भी कर लिया। कद्दूकस करके क्योंकि खट्टी मीठी चटपटी चटनी है जो कि आम की कच्चा आम की बना लिया, या कच्चा आम को या आम पन्ना भी बना लो भी बना सको। तो एक पेड़ या बील को भी है, और बील इतनी बील लाग रही हैं एक नीचे जियाँ कोई अंकुड़ियो या और कुछ भी है लेके बिन तोड़ सको, जहाँ पक्की हुए वह तोड़ ले, नीचे गिरती है टूट जाए, टूटने के बाद में तुरंत जूस बनाना पड़े। तो आज मैं मेरे किचन गार्डन में बील के पेड़ हूँ, बील गिरी भी तोड़ के लेके आ रही हूँ। तो मेहनत को फल मीठो है, जहाँ फल लागना और किचन गार्डन में सब्जी लगानी आसान को नहीं है, बहुत हार्ड काम है। बहुत सारा पत्ता गिरे अभी टाइम में, कोई झाड़ू भी निकालने पड़ा। एक चीकू को पेड़ हो, सिर्फ ही चीकू का पेड़ ने एक खतर दिखाया जो है कि चीकू को पेड़ ने काट लियो है, और काटने की एक संकल्प लियो है कि ई पेड़ ने एक न काटूंगी तो चार पौधा फलदार और लगाऊंगी। काटनों क्यों पड़ो है कि एक कन्नी कुंड है, पानी को टैंक है, बरसात गोभी के अंदर जर चली गई, तो ये खतरे इन काटनों को लिए काटने के लिए भी बहुत सारो दर्द दुख भी हो है कि एक पाड़े को जो पेड़ काटनो एक इंसान की नार तोड़ने के बराबर काम है, पर मजबूरी है चाहे कुंड तोड़ो या पेड़ काटो। तो पेड़ काट के पेड़ को संकल्प ले लियो कि भाई का चार पेड़ और लगाने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ो करके सारा ये डाली हैं वह भी तोड़ दी, बहुत सारा फल लागेड़ा है, बहुत सारा फाल आएड़ो है। बारह मासी चीकू लागण वाले चीकू को पेड़ हो, कई बार के मजबूरी में आदमी ने पेड़ भी काटना पड़े, क्यों कि पानी को टैंक बरसात को टैंक बनेड़ो है, वो टैंक के अंदर जड़ चली गई चीकू की, तो पानी है जो सूसनों शुरू हो जाएगा, फिर तो बहुत मोटी समस्या हो जाएगी। पेड़ एक आदमी हज़ारों पेड़ लगा सके न कि एक आदमी सिंगल कुंड तैयार कर सके, भी कर लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़े या मजदूर लेना पड़े, मिस्त्री लेना पड़े। और चीकू काटने को एक संकल्प लियो कि एक चीकू को पेड़ काटूंगी तो चार फलदार पेड़ लगाऊंगी। मेरा ही जहाँ सिर्फ है जो 20-25 पेड़ हैं, बामो दो पेड़ एक्स्ट्रा और लगेड़ा है, बाकी का मेरा खुद का हाथों लगाएड़ा पेड़ हैं। तो चीकू को जिया पेड़ काटना दर्द भी है दुख भी है, क्यों मजबूरी है, बाकी की काटना के लिए तो बिल्कुल मन कौन कर रहे हो, क्योंकि एक पेड़ काटना एक इंसान की नार तोड़ने के बराबर काम है। पर कई बार की है दो चीज़ों के बीच में फंस जावा तो आ हुआ है कि कौन सो करना बढ़िया रहे, तो बस सोच के भी और किन पूछताछ करने के लिए पेड़ ही एक अलग चीज़ लिए। थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं भी डूंगर जी घर पहुँच गई हूँ और एक पेड़ गिरा भी दियो, अब सिर्फ जड़ निकालनी बाकी हैं, तो वह जड़ हैं वह डूंगर जी निकाल के तैयार करेंगा और खाडो खोदूंगा, वो काम को नहीं। चीकू बहुत सारा तोड़ लिया, इन पकाना को वीडियो भी एक पहली डाले डो है और फिर थन डालांगा लो करा थारों राम राम।